हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे लुसीली फ्लेचर का वन एक्ट प्ले सॉरी रॉन्ग नंबर। सॉरी रॉन्ग नंबर की कहानी शुरू होती है मिसेस स्टीवेंसन के बेडरूम से, जहां वो अपने पति को कॉल करने की कोशिश कर रही है। रात का वक्त है और प्लेस न्यूयॉर्क है। मिसेस स्टीवेंसन एक न्यूरोटिक पेशेंट है, इसलिए वो रात को घर पे अकेली नहीं रह सकती। आज उनकी मेड भी छुट्टी पर है और उसके हस्बैंड अभी तक घर नहीं आए, तो इसलिए वो अपने हस्बैंड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, मगर उसको बार बार लाइन बिजी मिल रही है। वे ऑपरेटर से मरे हिल 40098 नंबर मिलाने को कहती है, मगर गलती से उसे रॉन्ग नंबर मिल जाता है। उस रॉन्ग नंबर पर वो किसी दो आदमियों की कॉन्वर्सेशन सुन लेती है। वहाँ जॉर्ज नाम के एक आदमी को उसका बॉस किसी औरत को मारने के ऑर्डर्स दे रहा है। जॉर्ज इस वक्त एक टेलीफोन बूथ पर है और आज रात को ही मर्डर करना है। उसका बॉस उसे बताता है कि आज रात मैदान साफ है। रात 11 बजे के करीब प्राइवेट पेट्रोलमैन यानी कि वॉचमैन सेकेंड एवेन्यू में बियर पीने जाता है और 11:15 बजे वहाँ ब्रिज पर से एक सबवे ट्रेन गुजरती है। बस उसी ट्रेन की आवाज़ में उस औरत के चीखने की आवाज़ दब जानी चाहिए। उससे पहले तुम नीचे के फ्लोर की सारी लाइट्स की सप्लाई काट देना, और हाँ, ज़्यादा खून नहीं बहना चाहिए। हमारा क्लाइंट औरत को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहता। बस एक ही चाकू का वार, और निकलने से पहले ड्रॉअर में से ज्वेलरी और कैश निकाल लेना, ताकि वो एक मामूली चोरी का केस लगे। और इसके बाद कॉल कट जाती है। मिसेस स्टीवेंसन बहुत घबरा जाती है और ऑपरेटर से फिर से उसी कॉल को ट्रेस करने को कहती है, मगर ऑपरेटर कुछ समझ नहीं पाती, क्योंकि उसकी स्लिप ऑफ फिंगर की वजह से वो नंबर कहीं और कनेक्ट हो गया था और रॉन्ग नंबर मिल गया। सेकेंड एवेन्यू और सबवे ब्रिज मिसेस स्टीवेंसन के घर के पास ही है। वो ऑपरेटर को समझाने की कोशिश करती है तो ऑपरेटर चीफ ऑपरेटर को बुलाती है, मगर वो भी कुछ समझ नहीं पाती, क्योंकि वो कहती है कि कॉल कट चुकी थी। और वो मिसेस स्टीवेंसन को पुलिस की हेल्प लेने को कहती है। पुलिस स्टेशन में जब मिसेस स्टीवेंसन सार्जेंट डफ़ी से बात कर रही है, तो बात करते हुए सार्जेंट डफ़ी का डिनर उसके सामने आ जाता है, और उसका ध्यान मिसेस स्टीवेंसन की मर्डर की बात में कम और अपने डिनर में ज़्यादा है। वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए मिसेस स्टीवेंसन को कहता है कि न्यूयॉर्क एक बहुत बड़ा शहर है और वहाँ पे बहुत सारे ब्रिजेस हैं, और सेकंड एवेन्यू एक बहुत बड़ा इलाका है। अगर उसके पति उसे प्यार करते हैं और मेड छुट्टी पे है, तो मिसेस स्टीवेंसन को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब देख लेगा। मिसेस स्टीवेंसन चाहती है कि पुलिस उनके पड़ोस में एक रेडियो कार भेज दे, मगर सार्जेंट डफ़ी इस चीज़ में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वो उसे इत्मीनान रखने को कहता है। उधर मिसेस स्टीवेंसन के हस्बैंड का नंबर अभी भी बिजी आ रहा है, मगर अचानक मिसेस स्टीवेंसन के फ़ोन की रिंग बार बार बजने लगती है, मगर कोई बोल नहीं रहा, तो इस बात से वो और ज़्यादा डर जाती हैं। थोड़ी ही देर में उनको फ़ोन पे उनके हस्बैंड का टेलीग्राम आता है कि उनके हस्बैंड को एमरजेंसी में बोस्टन जाना पड़ गया है और वो कल दोपहर तक वापस आएगा। अब मिसेस स्टीवेंसन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो हेंचले हॉस्पिटल में फ़ोन करती है कि शायद किसी नर्स का अरेंजमेंट हो सके, मगर हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि रजिस्टर्ड नर्सेज बहुत कम हैं और वो सिर्फ एमरजेंसी में ही उन्हें भेजते हैं, और वो भी तब जब फिजिशियन खुद रिकमेंड करें, सो नर्स नहीं आ पाएगी। मगर बात करते करते मिसेस स्टीवेंसन को लगता है कि उनकी एक्सटेंशन पे जो दूसरा फ़ोन है वो नीचे किसी ने उठा लिया है और वो उनकी बातें सुन रहा है। वो ऑपरेटर से पुलिस का नंबर मिलाने को कहती है और उसे समझाती है कि उसके घर में कोई चोर घुस आया है, जो शायद वो मर्डरर है, वो उसका मर्डर करना चाहता है।
अचानक उस मर्डरर के सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ आती है। मिसेस स्टीवेंसन अपने बेड पे बैठ जाती हैं और वो बहुत डर जाती हैं। तभी अचानक लाइट चली जाती है, पावर सप्लाई फेल की वजह से अंधेरा हो जाता है और पुलिस का नंबर मिल जाता है, मगर उसकी आवाज़ घुट के रह जाती है। मिसेस स्टीवेंसन के चीखने की आवाज़ आती है, मगर ट्रेन के शोर में उसकी चीख दब जाती है। उधर सार्जेंट डफ़ी फ़ोन पिक करता है और बार बार वो बोलता है कि हेलो डफ़ी स्पीकिंग। हमें यहाँ नज़र आता है कि फ़ोन का रिसीवर बेड पर है और पास ही मिसेस स्टीवेंसन की लाइफलेस बॉडी बेड पे पड़ी है। और उधर जॉर्ज ब्लैक ग्लव्स में फ़ोन पिक करता है और कहता है सॉरी रॉन्ग नंबर, और रिसीवर को क्रेडिल पे रख देता है। पर्दा गिर जाता है। तो इस तरह से सॉरी रॉन्ग नंबर एक बहुत ही सक्सेसफुल रेडियो प्ले था और शायद ये मोस्ट रिपीटेड प्ले था इन द हिस्ट्री ऑफ रेडियो प्ले। राइटर ने एक सटायर बड़े ही ब्यूटीफुल ढंग से, बड़े ही एक ह्यूमरस ढंग से एक सटायर मारा है कि किस तरह से एक आम आदमी की ज़िंदगी को बचाने में सारी स्टेट एजेंसीज जैसे कि पुलिस, हॉस्पिटल और टेलीफोन एजेंसी, जो कि तीनों नागरिकों की सेवा के लिए हैं, तीनों ही बुरी तरह से फेल होती हैं। वो किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं दे पाती एक आम सिटीज़न को और सिटीज़न मर जाता है। इन स्टेट एजेंसीज़ को किसी भी आम इंसान से कोई हमदर्दी नहीं है, जैसा कि हमने सार्जेंट डफ़ी के केस में देखा। और ये एक इस तरह का प्ले था कि जिसको हम मर्डर मिस्ट्री भी कह सकते हैं, और किस तरह से मिसेस स्टीवेंसन के थ्रू राइटर ने एक नॉर्मली कॉमन सिटीज़न को हमारे सामने प्रेजेंट किया है जो कि एक मुश्किल हालात में है और वो स्टेट की, वो सरकार की, वो सब एजेंसीज की मदद चाहता है, लेकिन उसको किसी से भी मदद नहीं मिलती। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।